और जिनके मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है गुड़गांव के अंदर, भाई ये सुनने में आ रहा है कि बहुत साफ सफाई से बंदा बनाते वाला मोमोज। आया वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मेकिंग दिखाना स्टार्ट करते हैं मोमोज के। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कितने किलो की भैया ये? 7 किलो सारे डल जाए। प्याज व्याज और क्या क्या डलता है? टमाटर वगैरह तो 40 गाजर लेकिन सबसे ज्यादा यही डलती है। मशीन से भी कटेगी इस बार कटेगी जगह तो यही डालते हैं। थोड़ा बहुत स्वीट कॉर्न वगैरह भी डाल देते हैं। बहुत ठंड आते हाथ में कौन सा सामान पकड़ रखा है दिखाना? ये भी है यमीज वाले का माल है। अच्छा मूल डल रहा है सारा? ये सवा मूल का ही डालता है, इसकी जैसा बंदा मैंने तो आज तक देखा नहीं होटल लाइन में अपने काम में। सारा माल अमूल का है। क्या आप अमूल का माल है? ये देखो ये अमूल की क्रीम है, अमूल का मक्खन है, ये मदर डेयरी है। आप लोग इस्तेमाल घर में करते हो जो ये होटल लाइन में कर रहे हैं। और ये पनीर वाले बन रहे हैं भैया अभी? हाँ जी।
कौन से मसाले हैं भैया? इसमें अजीनोमोटो है, मैगी मसाले हैं, नमक है, काली मिर्च है, चार आइटम पड़ती हैं। ठीक, ये देखो फुल सफाई हो रही है भाई, हर एक लॉट के अंदर पूरी सफाई होती है। इसके मशीन से भी होगा भैया? हाँ, इसके बाद मशीन से ये भी अपने मशीन में कितनी बार जाएगा? मशीन में 5.5 बार। 5.5 बार एकदम पतला कर दोगे? नहीं, पतले वाले होगा, स्टीम होगा तो। अच्छा, 8 बार एक तंदूरी आया। तंदूरी वाला ये? अच्छा, अलग अलग होता है किसी का? तो ये अपने यहाँ मशीन से होता है या हर जगह मशीन से होता है? नहीं, हमारे यहाँ पर होता है। अच्छा, अपने यहाँ पे ही होता है। हो गया ये? स्टीम में लगा रहे हो ना? स्टीम पे तंदूरी है ये? अभी तंदूरी है, ऐसे स्टीम बनते हैं। तंदूरी और स्टीम बहुत ही सेम है पकाने का तरीका, इससे क्या होता है ना, चिपकेंगे नहीं। मैंने खाने के लिए डाले, मैंने कहा लकड़ी भाई ये तो भाई। ये देखो अपने एकदम फ्रेश मोमोज बनके तैयार हो गए हैं भाई, जस्ट लुक एट दिस। जैसे हमें फ्रेश खाने को मिल रहे हैं, आप लोगों को भी यमी तो एकदम सेम खाने को मिलेंगे। बस कोई पेड़ प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पर भाई, मैं पहले भी आया था यहाँ पे खाने, आपने वीडियो देखी थी, मैंने इनसे बात कर दी बस मेकिंग कर पाए, देखते हैं खाना कैसे बनाते हो आप भाई। आपने मेकिंग पूरी देखी, एक नंबर मेकिंग है। बाकी मोमोज का साइज़ देखो, 100 रुपये इसका प्लेट, आपको 8 पीस मिल जाएंगे प्लेट के अंदर भाई। मोमोज बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने अभी एक रील के लिए एक बाइट लिया था भाई मोमोज के अंदर, पनीर देखो आपने मेकिंग में देख ही लिया होगा, फिर मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ वाला पीस।
तो ये देखो भाई मोमोज कितने सॉफ्ट हैं और अंदर पनीर भर भर के डाल रखा है और एकदम फ्रेश बनाए जाते हैं यहाँ पे डेली, आपको एकदम हर रोज यहीं पे मोमोज बनते हुए दिखेंगे। वाइट की चटनी तो भाई सुपर स्पाइसी है, ये आपको हमने बताई थी भाई, ये फटाफट से ट्राई करके देखते हैं। जो बंदा असली मोमो लवर होगा ना वो खा के बता देगा कि एक नंबर क्वालिटी है, एक नंबर टेस्ट है खाने का। मोमो जो है सॉफ्ट है, पनीर का फ्लेवर बहुत सही है, पनीर भी अच्छे वाले क्वालिटी का यूज़ करते हैं ये, बाकी एकदम साफ सफाई से काम हो रहा है, चटनी डेली बनती है यहाँ पर, सब कुछ डेली बनता है, एकदम फ्रेश चीज़ है भाई, मज़ा आ गया खा के। और बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं आपके मोमोज की, लोकेशन मेंशन कर देंगे, वहाँ से चेक कर लेना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।